यार देखो कितना सही लग रहा है इसे देखने में, और इसकी अगर येलो रूफ हो जाएगी तो बहुत सही लगेगी मेरे ख्याल से। तो कर लिया है मैं अपना सारा सामान और गाड़ी को मैं करता हूँ वापस उनके पास। सामने भी निकल पा रही है और गाड़ी ये देखो यार अंदर आ गई भाई, मैं सामने ठोक देता गाड़ी को। इस टाइप से यहाँ पे गाड़ी अंदर पार्क होंगी जो कि बाहर से दिखेंगी आराम से, ये देखो बाहर से दिख रही है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। यार लास्ट एपिसोड में मैंने दो तो अपने नए फार्म बनाए थे, एक तो अपना है ये रहा स्टोन फार्म जो कि अपना ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब मैनुअल फार्म है, पर फिर भी ये काफ़ी सही काम कर रहा है। मैंने सारा स्टोन उठा लिया है क्योंकि मैंने रोड का काम करा था अभी। और यहाँ पर अपना ट्री फार्म जिसमें कि मुझे सैपलिंग्स और लगानी पड़ेंगी, और इसके अलावा मैंने बनाया था यार एक अपना पेट्रोल पंप जो कि यार यहीं से दिख रहा है मुझे। पर ये रहा अपना पेट्रोल पंप, और मैंने थोड़ी थोड़ी रोड ने एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, देखो मैंने वहाँ तक रोड बना दी है, मतलब पूरी अभी कम्प्लीट नहीं हुई है क्योंकि एसफॉल्ट के साथ साथ ना मुझे क्या बोलते हैं एक और चीज़ चाहिए होती है जो कि अपना चारकोल। तो मुझे कुछ दिन में ना चारकोल का भी, जैसे अभी तो यहाँ से मैं चारकोल उठाता हूँ, पर ये मुझे लग रहा है कि कुछ दिन मैंने काम करना बंद कर देगा, जैसे यहाँ पे मेथनॉल है काफ़ी सारा। वैसे अभी काफ़ी चारकोल मुझे मिल रहा है, और मैंने यार अपना एक काम और करा है, मैंने अपना जो बेड है वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया अंदर की साइड। तो अब देखो अपना बेड यहाँ पर हो गया है और क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे हो गई है। मैं धीरे धीरे ना सारी चेस्ट वहाँ से निकालूंगा क्योंकि यार वहाँ पर ना बार बार मुझे अंदर जाना पड़ता है उसमें, तो मैं वहाँ से हटाऊंगा चेस्ट को। तेरे को अगर चैनल पर नया है उसमें बता देता हूँ कि इतनी सारी ब्लैक शीप मैं क्यों पाल रहा हूँ, मतलब कि व्हाइट शीप या कोई और कलर की शीप मैं क्यों नहीं यहाँ पे रख रहा। तो उसका रीज़न ये है कि यार जो अपनी गाड़ियाँ बनती है ना, गाड़ी के जो टायर्स हैं उनके लिए वूल चाहिए होता है ब्लैक कलर का, तो उसको मुझे बार बार डाई ना करना पड़े। इसलिए मैंने क्या करा कि भाई सारी शीप ही ब्लैक, मतलब चार शीप थी मेरे पास उनको मैंने ब्लैक डाई करा, और अब जितनी भी शीप मेरे पास ब्लैक कलर की हैं, तो अब मैं टायर्स इनसे बना सकता हूँ आराम से। क्योंकि मुझे अभी यार ट्रक वगैरह बहुत सारी गाड़ियाँ बनानी है इसके अंदर, जिसके लिए मुझे वूल चाहिए होगा। फिर आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि आज एक तो यहाँ पर कार डीलरशिप बनेगी, और उसके पीछे मैं थोड़ी जगह छोड़ूंगा जहाँ पे कि एक कार फैक्ट्री बाद में बनेगी, ये फिर पहले डीलरशिप बना लेता हूँ यहाँ पे। फैक्ट्री को ना मैं थोड़ा यहाँ से दूर बनाऊंगा, इसके अंदर अपना कोबल डीप स्लेट मैं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास और अभी कोई भी अलग टाइप का ब्लॉक नहीं है, तो डीप स्लेट ही है जो कि थोड़ी सी अलग लगती है। तो ये अपना यहाँ पे कॉर्नर है, तो जैसे पेट्रोल पम्प बना इसके सामने यहाँ पे कार डीलरशिप होगी, और ये पूरी ना ग्लास की बनने वाली है, तो मैं यहाँ तक बना लेता हूँ पूरा, मतलब ये मैं एक काम करता हूँ ना, इसलिए ना मैंने फेंस को थोड़ा पीछे कर दिया, यहाँ पे फुटपाथ की जगह बच गई थोड़ी चलने के लिए। सेम ऐसे ही मैं आगे भी कर दूंगा, पर अभी मुझे ना पहले यहाँ पर वो बनाना है, तो कितने फ्लोर की होगी, कम से कम यार दो फ्लोर की तो बनाऊंगा ही मैं डीलरशिप। मैं एक बार ना देख लेता हूँ मैं कितनी हाइट पर आ चुका हूँ, एक बार नीचे उतर के, यार मैं बकेट लाना भूल गया। तो कम से कम चार ब्लॉक हाइट की, एक मतलब एक फ्लोर अपना चार ब्लॉक हाइट का होगा, ठीक है, तो एक दो तीन, तो इतनी हाइट का अपना एक फ्लोर होगा। और मैं सोच रहा हूँ पहले एक फ्लोर बनाता हूँ, बाद में दूसरा फ्लोर बनाऊंगा, और ये पूरा मॉडर्न वाला होने वाला है। इसके अंदर यहाँ पे साइड में गैराज की जगह भी होगी। यार मैंने सिटी स्काइलाइंस गेम खेला है, तो मुझे बिल्ड करना ज़्यादा बढ़िया लगता है माइनक्राफ्ट में, इसलिए मैं रोड का नेटवर्क भी बिल्कुल सिटी स्काइलाइंस से इंस्पायर होकर बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो गेम इतना खेला है ना पहले। थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करता हूँ, मतलब रहेगा इसी टाइप से ही है, पर यहाँ पर ना थोड़ी पार्किंग की जगह मैं भूल गया देनी। मैं पहले सोच रहा था कि अंदर ही सारी पार्किंग होगी, पर थोड़ी पार्किंग ना मुझे बाहर भी रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से बनाता हूँ मैं, और ये नीचे जगह छोड़ रहा हूँ मैं ताकि इसके नीचे एक बेसमेंट भी बना सकूँ मैं। तो बेसमेंट में क्या होगा, अपनी जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होंगी ना, गाड़ी ट्रक जो भी होगा वो नीचे स्टोर होंगी। तो ये जो एरिया ये अपना होने वाला है डिस्प्ले एरिया, इसलिए मैंने इसको इतना रोड के पास में बनाया है क्योंकि यहाँ पे ग्लास लगने वाला है। अब इसको मुझे करना है ऊपर, एक दो तीन चार, मेरे ख्याल से मैं सही हाइट पर हूँ। और ये पेड़ हटाना पड़ेगा यहाँ से, थोड़ा सा डीफोरेस्टेशन करना पड़ेगा इधर, क्योंकि मैं हर चीज़ में डीप स्लेट यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास यार कोई अच्छे ब्लॉक नहीं है इसके अंदर, ये तो फिर कोबल स्टोन ही मुझे और लाना पड़ेगा, और उसको स्मूथ स्टोन बनाना पड़ेगा। तो इधर अपना ग्लास लगेगा भी, मैं ग्लास भी देख लेता हूँ, मेरे पास है ग्लास, यार ग्लास नहीं है मेरे पास, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा मैंने यहाँ पर रखा था ना खूकोने के लिए, तो 40 ग्लास ये रहे। इससे ना ग्लास पेन बना लेता हूँ, ग्लास ना महंगा पड़ेगा नहीं तो, बहुत सारे बन गए ग्लास पेन तो। तो इधर अपना ग्राउंड से स्टार्ट हो जाएगा ग्लास, अरे यार ये दो तीन ग्लास खराब हो गए मेरे। एक बार मैं देख रहा हूँ कि ग्लास पेन सही लग रहा है यहाँ पर, वैसे अगर पूरा ग्लास ब्लॉक लगाऊंगा तो पूरी जगह ले लेगा, इससे थोड़ी जगह एक्स्ट्रा मिल रही है ना, सही है। तो फ्रंट की साइड ना पूरा ग्लास ही रखने वाला हूँ मैं, ताकि थोड़ा शोरूम वाली वाइब आए इधर से। मुझे कमेंट में बताना कि ये जो ग्लास का टेक्स्चर है सही है, या फिर इसके लिए भी कोई शेडर वगैरह मैं इम्प्रूव करूँ। मुझे तो लग रहा है सही है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल क्लियर ग्लास लगा दूँगा ना, तो फिर पता ही चलेगा कि ग्लास लगा हुआ है। सर ये हो गई इधर से डीलरशिप की बाहर की एंट्री कम्प्लीट अपनी। ये ज़ोंबी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, यहाँ नीचे कोई ज़ोंबी है क्या? अच्छा यहाँ पे नीचे केव दिया, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो ये कुछ ऐसा लुक आया ना इसका। अब मुझे यहाँ पर यार रोड बनानी है जो कि इधर से एंट्री के लिए होगी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पास में एक मोड है, तो वहाँ पर तो मैं टर्न नहीं बना सकता, पर पेट्रोल पंप के सामने एकदम बन सकता है ना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से पेट्रोल पंप से गाड़ी निकल रही है तो सामने भी जा पाए, तो यहाँ पर बनेगा एकदम। 3 ब्लॉक वाइड रोड तो काफ़ी रहेगी ना।
और यहाँ पर हो गया अपनी पार्किंग, 1 2 3 4 5 6। इसको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर ना। एक मैं ये सोच रहा हूँ कि गेट जैसे सामने होगा तो फिर अंडरग्राउंड पार्किंग में कहाँ से भराऊंगा, है ना। एक काम करना पड़ेगा मुझे, इधर तो गेट नहीं बना सकता यार मैं। पहले तो ना इसको, नहीं, इसको मैं वुडन का बनाऊंगा, वुडन का बनाऊंगा। एक मिनट, बल्कि मुझे देखना कंक्रीट पाउडर कैसे बनता है। अगर ज़्यादा महंगा नहीं बन रहा होगा तो कंक्रीट के लिए मुझे डाई चाहिए, सैंड चाहिए और ग्रेवल चाहिए। डाई बनाने के लिए क्या चाहिए यार, एक मिनट, रेड डाई के लिए देखता हूँ क्या चाहिए। पॉपी सीड से रेड डाई बन रही है, तो रेड कॉन्क्रीट बन सकता है। रेड कॉन्क्रीट अपना बन जाएगा यार, पॉपी सीड में बहुत सारी है। एक काम होता है, इसको सारी को ना रोड में कन्वर्ट करता हूँ, बाद में मैं इसमें ना कुछ अलग तरीके से डिजाइन करूंगा। इतना पहले वो मुझे आउटलाइन मिल जाएगी यार, यहाँ पे कितनी जगह है मेरे पास। तो ये मेन रोड से अपना अंदर आके यहाँ पे पार्किंग, और सामने अपना एक गेट होगा जो कि अपना अंडरग्राउंड जा रहा होगा, तो जिसके लिए मुझे तीन की जगह, मतलब 3 ब्लॉक की जगह चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इतना ये अपना हो जाएगा जो कि अंडरग्राउंड जा रहा होगा, ऐसा रास्ता गाड़ी पार्क करने के लिए। मतलब ये शोरूम का बैक साइड में जाने के लिए है, सर्विस सेंटर में जाने के लिए एक तरीके से। और जो मेन शोरूम है उसकी एंट्री मुझे यहीं पर बनानी पड़ेगी कहीं पर ना। ये रही अपनी पॉपी सीड्स, काफी सारी है यहाँ पर। भाई सबसे बेस्ट फार्म मुझे तो आयरन फार्म ही लगा अपना, जो मैंने बनाया अब तक नॉन स्टॉप चल रहा है जब से। तो मुझे बनाना है यार कॉन्क्रीट, वो भी रेड कलर का ना। पहले तो रेड डाई बना लेता हूँ मैं, ठीक है। रेड डाई बन गई, अब बनाना है रेड कॉन्क्रीट। सिर्फ 8 बने, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा अब बनेगा ना, तो 2 3 स्टैक बन गए मेरे ख्याल से, तो बहुत होने चाहिए यार इतने। वैसे रेड कॉन्क्रीट पे ना गाड़ी खड़ी हुई बहुत ही प्यारी लगने वाली है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अरे ये तो कॉन्क्रीट पाउडर लगा दिया मैंने, एक मिनट रुको। तो कॉन्क्रीट बना के भी तो लाना पड़ेगा यार, अभी यहाँ पे पानी नहीं है मेरे पास। तो मैंने यहाँ तक टनल बनाई थी ना, यहाँ पे मुझे वाटर स्ट्रीम मिली थी, एक नदी यहाँ से निकल रही है। और यहाँ पे ना प्लेजर्स भी थे, प्लेजर भी मारे थे मैंने 2 3, उसके बाद से तो दिखे नहीं है वो। उसके तो बाद तो गायब हो गए भाई। तो यहाँ बनाता हूँ अब कॉन्क्रीट जल्दी से। तो कुछ इस टाइप से बनता है देखो कॉन्क्रीट। तो ये कॉन्क्रीट पाउडर पानी में टच होती है ना, कॉन्क्रीट में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड ब्लॉक में। मतलब ये देखो कितना मस्त लग रहा है रेड कलर का। तो अब करते हैं इसको माइन भाई, ये हो जाएगा अपना नॉर्मल पिकेक से माइन हो जाता है। कर लिया है मैं अपना सारा सामान, और गाड़ी को मैं कर देता हूँ वापस उनके पास। अब लगाते हैं अपना कंक्रीट। कितना है मेरे पास? मतलब 1.5 स्टैक है। तो फर्श का काम हो जाएगा देखो, इसके ऊपर अब गाड़ी जब खड़ी होगी ना तो भाई वो अलग ही शाइन मारेगी गाड़ी। तो रूफ को ना ये तो ब्लू कलर का बनाऊंगा, या फिर येलो कलर की, थोड़ी मुझे लग रहा है ज़्यादा अजीब हो जाएगी, ब्लू सही रहेगी। वैसे मैं सोच रहा था ग्रे कलर की, मतलब ग्रे कलर का कॉन्क्रीट यहाँ पर लगाने की, पर यार ग्रे डाई बनाने भी। अच्छा इसके लिए ऑक्सीडेजी चाहिए सिर्फ, लाइट ग्रे डाई तो मैं बना सकता हूँ। मतलब ये वाला फूल तो बहुत आराम से मिल जाता है यहाँ माइनक्राफ्ट। जो बेसमेंट होने वाला है ना, इसके नीचे होने वाला है, तो जो ये रेड कलर है ना, ये बेसमेंट वाले एरिया का रूफ का काम करेगा साथ में। तो मेरा 2 in 1 काम हो गया यहाँ पर यार। देखो कितना सही लग रहा है ऐसे देखने में। और इसकी अगर येलो रूफ हो जाएगी तो बहुत सही लगेगी मेरे ख्याल से। तो रूफ के बाद अब इसका मैं बाकी काम देख लेता हूँ यहाँ पर। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सही है इससे, तो है ना। काम करता हूँ यहाँ पर ना, मैं ग्लास ही लगा देता हूँ, बाद में अगर बेकार लगा तो मैं हटा दूंगा। तो इधर मैंने ग्लास ही लगा दिया ताकि यहाँ ना तीनों तरफ से दिखे। पीछे से इसकी एंट्री होगी, तो यहाँ पे गेट आएगा। अब यहाँ पे मुझे डबल गेट लगाने पड़ेंगे, 2 गेट बनाकर लाने पड़ेंगे। यहाँ पे आयरन डोर बन रहा है ना, आयरन डोर बना दिया यार मैंने। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे, लकड़ी वाले से तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। और ये स्टोन ना मुझे यार बेकार ही लग रहा है, मैं इसको ना हटा ही रहा हूँ स्टोन को। और इसकी जगह मैं ना नॉर्मल डीप स्लेट, मतलब जो कोबल डीप स्लेट थी ना, यही सही रहेगी इससे। तो और ये स्टोन भी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत बेकार लग रहा है यहाँ पे। तो मैं डोर भी चाहता हूँ यहाँ पे लकड़ी लगाऊँ, फिर जंगल प्लैंक जो होते हैं एक बार देख लेता हूँ लगाकर। अगर मैं जंगल प्लैंक लगाता हूँ यहाँ पर, यार ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सही है। और जो ऊपर वाला ग्लास है ना, वो भी मैं हटा रहा हूँ, वो मैं बंद ही कर देता हूँ, अब सही है ना। तो कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, मुझे पता है ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, पर अभी मुझे यार कमेंट में बताना कि कोई तरीका कि मैं इसको कैसे अच्छा करूँ। और अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो गेट खोल कर देख लेता हूँ। अरे गेट क्यों नहीं खुल रहा भाई? अच्छा मैं तो भूल ही गया था यार, आयरन डोर के लिए तो बटन चाहिए होता है ना, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं सोच रहा ओक डोर लगाया मैंने, मुझे बटन लेकर आना पड़ेगा यार। इससे अच्छा तो ना प्रेशर प्लेट बना रहा हूँ, क्योंकि यार बार बार इस पर मतलब बटन पे हाथ लगाना पड़ेगा तो बेकार लगेगा फिर। तो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना बटन, तो प्रेशर प्लेट बना रहा हूँ मैं इसलिए। अभी देखना है काम कैसे करेगी ये प्रेशर प्लेट, खुल रहा है ना? अरे हाँ काम कर रही है। ये देखो भाई ऑटोमेटिक अपना गेट खुल रहा है, बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे स्टेप करता हूँ गेट खुल जाता है, तो फिर बंद हो जाता है। ये गेट खुल गया और बंद हो गया। ये थोड़ा सा एरिया होने वाला है जहाँ से कि अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर जा पाएंगी। तो जो इससे कनेक्टेड है ना, ये तो मुझे लग रहा है कि मुझे रेडी बनाना चाहिए। ये होगा अपना वेटिंग एरिया टाइप, ठीक है, इनका ऑफिस वाला एरिया हो जाएगा। और जो इधर वाला एरिया है ना, इसको मैं पूरे को बंद ही कर देता हूँ। एक काम करता हूँ ये, फिर चलो अगर मैं ओपन रहने देता हूँ तो कैसा लगेगा? ये पूरा ओपन नहीं रख रहा मैं, एक काम करता हूँ अब सही है। अब मुझे समझ में आ गया मैं यहाँ पे क्या करना है, ये इसको बंद कर देना है इधर से। इधर गाड़ी शोकेस करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5
कम से कम 7 से 8 गाड़ी यहाँ पर आराम से पार्क हो सकती है, जो कि बाहर से दिखाई देंगी शीशे में से, जो कि काफी बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे साइड में एक छोटा सा ऑफिस होगा, और यहाँ पर गाड़ी अंदर लाने के लिए यहाँ से एक छोटा सा एरिया मैं बना रहा हूँ, जिसको कि मैं नॉर्मल ब्लॉक यूज करके बनाऊंगा, क्योंकि यार रेड कंक्रीट ना खत्म हो रहा है मेरे पास, मुझे फिर से बनाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नॉर्मल ब्लॉक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ लानी है। और बल्कि एक काम करता हूँ मैं, इसको ना मैं बेसमेंट से कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब कि ये तो हो जाएगा यहाँ से बंद, ठीक है। अब इसके नीचे बनेगा यहाँ पे बेसमेंट, इसलिए मुझे शवल चाहिए। इसमें ना कर्व स्टेयर नहीं बन सकती, क्योंकि माइनक्राफ्ट का ब्लॉक ही वर्ल्ड है, मुझे सीधी स्टेयर ही बनानी पड़ेगी। तो जैसा कि यार यहाँ पर अपनी गाड़ी आ रही है ना, तो एक बार अपर एसफॉल्ट स्लैब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, बल्कि यार इतना ना आगे तक आने की जरूरत नहीं है, इसको ना और पीछे से स्टार्ट करता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर लगेगा अपना एसफॉल्ट ब्लॉक इस टाइप से, 3 वाइड रखा है मैंने, ताकि गाड़ी ट्रक दोनों चीज़ें यहाँ पर आ सकें। अच्छा ये तो लगेगा ही नहीं ना यहाँ पर, अब लगेगा मुझे यहाँ पर ये नॉर्मल वाले स्लैब दोबारा, ठीक है। इस टाइप से ये है कि यहाँ से अपना गाड़ी, मतलब गाड़ी लेके आओ और यहाँ से बेसमेंट की तरफ चलो। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एरिया मैं साफ कर देता हूँ अपने शवल से, ये हो जाएगा इधर क्लियर एकदम। पेड़ भी हटेगा, पेड़ मैं काट ही देता हूँ यार पहले ना, ठीक है। तो यार यहाँ पर बेसमेंट अपना कंप्लीट हुआ उधर की साइड, सेम ऐसे मुझे इस साइड भी बनाना है बेसमेंट, जिसके लिए कि मुझे इनको ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री लेते ही इसको, अरे यार एसफॉल्ट मेरे पास कम्प्लीट वाला है ना, मुझे एसफॉल्ट के एक तो मीडियम स्लोप बनानी है और एक बिल्कुल छोटी वाली स्लोप बनानी है, दो स्लोप बना कर लानी है। तो एक तो बनेगी अपर वाली स्लोप, 20 बन गई ना, और थोड़ी सी मीडियम वाली 32 ये बन गई। तो इसको इतना हाइट पे तो लाना पड़ेगा कि ये इसके नीचे बेसमेंट बन सके। तो 3 फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर कह रहा हूँ मैं, 3 हाइट का बेसमेंट बनेगा ना नीचे, तो उतना मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो ये लगेगा यहाँ पर, तो अभी मैं एक ब्लॉक नीचे आया हूँ, मुझे और नीचे जाना है अभी, पहले मुझे हाइट देखनी है कि मुझे किस हाइट पर पहुँचना है। तो अपनी गाड़ी यार यहाँ से आएगी, मतलब यहाँ से आएगी और इस टाइप से नीचे उतरेगी। तो 3 हाइट का डिफरेंस मैंने बरत दिया है यार, देखो बेसमेंट में दोनों तरफ से मैंने रास्ता बना दिया एकदम बढ़िया वाला। यहाँ पे 2, मतलब 2 वाइड है और वहाँ पर 3 वाइड है, और फर्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो मैं इसको ना बंद करके देख लेता हूँ कि यार यहाँ पे गाड़ी एंटर हो भी पाएगी, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मुझे आसपास ना आवाज़ आ रही है क्रीपर की, तो इसके नीचे से गाड़ी निकल जाएगी, एक बार ला के देखता हूँ मैं गाड़ी। तो ये रही अपनी कार, चलते हैं भाई। तो पार्किंग टेस्ट करनी है मुझे, तो नहीं जा पा रही, चले तो जा रही है पर उतने अच्छे से नहीं जा पा रही ना, तो थोड़ा सा और ना बैक साइड कर देता हूँ, अब चली जाएगी, इतना सही है। ठीक है हो गया इधर से कंप्लीट, सेम ऐसे इधर हो जाएगा, कर ये हो गया इधर से पूरा क्लोज, और इधर भी यार वही दिक्कत आएगी, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि गाड़ी एंटर हो पाए, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे रेड कॉन्क्रीट और लगाना है थोड़ा सा, ये अपना ऑफिस वाला एरिया है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है हो गया कम्प्लीट, बढ़िया पूरा कम्प्लीट हो गया वाला। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लास वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे देखना है कि गाड़ी इधर पार अगर निकल पा रही है तो, और उससे पहले मैं नीचे रोड बना देता हूँ ताकि गाड़ी अटक ना जाए मेरी। तो ये हो जाएगी अपनी एसफॉल्ट की रोड यहाँ पे, और अंदर तो मैं सोच रहा हूँ कि रोड ही बनाऊँ या फिर काम करता हूँ, यहाँ पे तो रोड रखता हूँ इतनी। बेसमेंट का काम अभी मैं नहीं कर रहा यार, बेसमेंट को ना मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। पर ये अपना बेसमेंट एरिया होगा, यहाँ पे 3 की हाइट है, तो इसका पूरा मुझे फर्श शेप तो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे वाला, मैं दिखाया था एक बार थोड़ा सा करके, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसे नहीं छोड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे मॉब्स वॉब्स कौन होंगे। अभी इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, बस एक बार गाड़ी यहाँ पर मैं ला कर देख लेता हूँ कि यहाँ पर आ पा रही है क्या। तो ये होगी अपनी गाड़ी स्टार्ट, यार यहाँ पे तो बिना ऊपर टच हुए आराम से आ गई गाड़ी, 10% व्यू में दिखाता हूँ, और सामने और देख लेता हूँ, सामने भी निकल पा रही है, और गाड़ी ये देखो यार अंदर आ गई भाई, मैं सामने ठोक देता गाड़ी को, यार मस्त लग रही है गाड़ी यहाँ पर, थोड़ा ना अच्छे से खड़ी कर देता हूँ उसको। इस टाइप से यहाँ पर गाड़ियाँ अंदर पार्क होंगी, जो कि बाहर से दिखेंगी आराम से, ये देखो बाहर से दिख रही है ना, पर नीचे देखने को कितना सही लग रहा है। मैं आज मैंने अपना शोरूम कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट एपिसोड में